और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो सुबह के बजे हैं 6:15 और मैं जा रही हूँ मेरे घर पे झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी और थोड़ा बहुत है ना एक सामान बिखरा पड़ा है उसको इकट्ठे में मतलब कट्टे में उसको डालना है। और साफ झाड़ू मतलब जो पुट्टी वुट्टी जो की थी ना तो उसको एक बार घिसा था तो उसका बहुत सारा वाइट 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 बहुत कुछ निकला है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया वहाँ पे। तो वैसे भी सफाई तो करनी ही है तो वहीं जा रही हूँ। और पीने का पानी जो है 7:15 बजे तक पीने का पानी आएगा, वो भी भरना है मुझे। और ये करके फिर फटाफट मैं घर वापस आ जाऊँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों के दोनों। एक फ़ोन जो है वो मैं उधर ही रख कर आई हूँ, टेबल पर ही, जो सोफ़े का टेबल है ना सेंटर टेबल, उसी पर रख कर आई हूँ एक फ़ोन। और अभी सो रहे हैं, अभी तो बच्चों का उठने का 8 या 9 बजे तक, 8, 8:30, 9 बजे के आसपास जो है बच्चे उठ जाते हैं, क्योंकि वरुण की आजकल क्लास है ना 9 बजे आ रही है। और वैसे भी परसों से वरुण के एग्ज़ाम हैं तो क्लासेस तो ऐसे ही हैं। आजकल ना कनेक्ट भी नहीं हो रही हैं क्लास, पता नहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है कि क्या है, कुछ तो इशू है। यहाँ आने के बाद फिर हम लोग ना वाईफाई लगवा लेंगे तो फिर किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। और अभी आ गए, बस फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिद्द बेल आइकन, बेल आइकन आएगा उस पर ऑल भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे ब्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। चीची की आवाज़ सुन रहे हो ना? हो इतना शांत माहौल है ना यहाँ पे। और सुबह सुबह ये हल्की हल्की आवाज़ चिड़ियों की, मतलब मज़ा आ जाएगा सुबह सुबह तो एकदम ग्रीनरी देखने को मिले ना तो एकदम मज़ा आ जाए। और हमारे जो ऊपर का एरिया है ना, जो बाहर फर्स्ट फ्लोर पे बाहर हमने बालकनी बनाई है, वो वाली बालकनी इतनी बड़ी है चाहे 2 चारपाई डाल लो उसमें। सुबह सुबह चाय का मज़ा तो कुछ और ही होगा यार। सुबह सुबह बैठकर पानी पियो, चाय पियो, जूस पियो, जो भी पीना है इसको, ग्रीनरी देखो, ठंडी ठंडी हवा लो, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई अभी ना काम शुरू कर लेते हैं अपना। अभी ना सबसे पहले ये जितनी भी आपको छोटी मोटी लकड़ी और सनमाइका के टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे एक कट्टे में, जैसे ये कट्टा है इस तरह कट्टे में इकट्ठी करनी है। जैसे ये है जगह जगह, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बचे हुए हैं काफ़ी सारे ये हैं, और फिर इस रूम में भी काफ़ी सारे जो हैं वो बचे हुए हैं। और ये जो कट्टे भरे रखे हैं ना ये बुरादे के हैं, ये कट्टे नीचे जो है वो लेकर जाने हैं। ये सारा काम करना है, इसकी सफाई करनी है। किचन तो कल मैं साफ़ करके गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ये देखो किचन तो साफ़ ही है, किचन को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके, मतलब बाद में ये लोग जो है ये गिरा हुआ ना सारी चीज़ें ये लोग बाद में साफ़ कर देंगे, जो मिस्त्री वगैरह है ना पुट्टी वाला ना वो साफ़ करेगा। तो फटाफट हम अपने काम कर लेते हैं। और अभी तो इसमें ना अलमारी में देखो लॉक लगवा दिया मैंने हिमांग की वजह से, देखो। चलो काम कर लेते हैं भाई। सो गाइस अभी देखो ये सारा रूम क्लीन हो गया है, झाड़ू निकाल दिया, सारी फट्टी वट्टी जो है वो उठा दी है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये सारा कूड़ा ना फिर उठा के मैंने अभी यहीं पे किया है, और उधर वाला सारा कूड़ा वहाँ पे किया है, ये क्लीन हो गया है। किचन तो क्लीन थी ही, और ये रूम भी क्लीन हो गया है, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये वाला रूम भी जो हमारा क्लीन हो गया है, ये देखो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। और भाई हालत बहुत ख़राब हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है मेरी, पसीना आ रहा है बहुत बुरी तरह से। ऊपर से भी निकाल दिया सारे जीने में से, झाड़ू निकाल दिया, पीने का पानी भी भर दिया है, कूड़ा भी जगह जगह इकट्ठा किया, क्योंकि अभी ना वो खाली नहीं है, कट्टे खाली नहीं है। अगर सारा एक कट्टे में डाल के और नीचे डालें या नगर निगम की गाड़ी आई उसमें डालें, अभी वो लड़के आएंगे ना
उनसे इकट्ठा खाली करवाऊंगी, उनसे भरवा के और फिर नगर निगम की गाड़ी में डलवा दूंगी। अभी एरिया बाकी है, ये इसको आज क्लीन करवा दूंगी बिल्कुल, इस वाले एरिया को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करा दूंगी। आज प्लम्बर भी आएगा और अभी बजे होंगे करीबन 8:30 और मैं चलती हूँ घर वापस, क्योंकि बच्चे भी उठ गए होंगे और मेरे को 9:30 बजे 9:30 तक मुझे वापस भी आना है चाय वाय वगैरह लेके, तो मैं चलती हूँ अभी घर। सो गाइस, घर वापस आ गई हूँ मैं और बालों में देखो मिट्टी कैसे घुसी है और बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा। आते ही मुँह धोया है, हैंड वॉश किए हैं, पैर वैर धोए हैं और अभी पी रही हूँ मैं पानी, ठंडा पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद जो है झाड़ वगैरह लगाऊँगी और पोछा लगा के फिर मैं नहाऊँगी। आज है अमावस निकालूँगी, आधे घंटे में झाड़ू पोछा हो जाएगा क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, अगर सोते रहे ना आधा घंटा और तो आधे घंटे में झाड़ू पोछा लगा के मैं फटाफट नहा लूँगी, क्योंकि अमावस से सिर तो धोना नहीं है, फिर किचन भी एकदम क्लीन है, बस एक बार कपड़ा लगाना बाकी है और फिर फटाफट से मैं जो है खीर बनाऊंगी और रोटियां सेक दूंगी। हमारे यहाँ पे अमावस पे खीर बनती है, मतलब गाय को जो रोटी जाती है ना, रोटी देती हूँ उसके ऊपर अंदर जो है वो खीर डाल के तब देती हूँ, ऐसे बनता है हमारे यहाँ पे। हाय माँ गर्मी, सो गाइस यहाँ पे चढ़ाई हुई मैंने खीर, खीर बनने के लिए मैंने रख दी है, दूध उबल रहा है और खीर के मैंने चावल यहाँ पे भिगो के रखे हुए हैं और 1 कप दूध बचा, अभी इसमें बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी शेक। और सुबह सुबह हमारे यहाँ अचार ख़त्म हो गया था, अचार वाले भैया आए थे तो वहाँ से मैंने अचार लिया है, इसमें है गाजर का है और इसमें मीठे नींबू का है, ये देखो इसमें मीठा नींबू, इसमें गाजर है और इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च सॉरी, लंबे वाली जो होती है ना मोटी मोटी लाल मिर्च, ये उसका अचार है। अभी इनको डाल दूंगी मैं और खीर बन रही है, तब तक जब चावल डाल दूंगी ना, चावल डालने के बाद इसको हिला के एक बार फिर मैं आटा वाटा लगाना शुरू कर दूंगी और तब तक मैं शेक बना दूंगी। और हिमांक सो के उठ गया, हिमांक, और ये ना कल से ये देखो चाबी बाइक की, कल से ये बाइक की चाबी लेके घूम रहा है और ये चाबी नहीं दे रहा किसी को भी, दे देना बेटा चाबी, नहीं दे, वो गया भाग गया। तो जैसे ही उबलना शुरू करें पहले एक बार मैं जोत लगा कर आती हूँ, जोत लगाऊंगी सबसे पहले और उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास बहुत फ़ोन आ चुके हैं, मुझे जाना है वहाँ पे नए घर पे। अभी जो है 11 बजे हैं और धूप ना चिलचिलाती ऐसी हो गई, आंखें खुल नहीं रही, सिर में दर्द हो गया वो अलग, बहुत चिलचिलाती धूप है। और यहाँ पे अभी ना एक बार संभालने आई थी, मुझे लगा स्टील वाला भी आया होगा, पुट्टी वाला भी आया होगा और टाइल्स वाला भी आया होगा, सिर्फ पुट्टी वाला आया मिला और कोई भी ना टाइल वाला आया ना वो स्टील वाला आया। टाइल वाला आएगा अभी 1 घंटे के बाद, तो मेरे को 1 घंटे के बाद फिर वापस आना है, स्टील वाला अपने फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं यार लास्ट टाइम पे ये लोग ना काम ख़राब करके मानेंगे क्या होगा। ओहो, एक सौ गर्मी, और ना सुबह सुबह मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था कि पंचायती करने में तुझे बड़ा मज़ा आता है, अपना काम कर, अपना कंटेंट बना वगैरह वगैरह, उसके नाम से व्यूज लेती है ये और वो। भाई देख, वैसे मैं ना तो फर्स्ट टाइम आया है वो बंदा बंदी जिसने मेरे को कमेंट किया है, मेरे को ना पंचायती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो मेरे को जानते हैं ना उनको पता है कि मैं पंचायत खंड में कती आग जब आपको सामने ये दिख रहा है, आप बाहर एक रोड पे चल रहे हो और आपको ये दिख रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, अगर आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप उसके लिए नहीं बोल सकते, उस बंदे की हेल्प नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ में मतलब क्या मोटो है आपकी लाइफ का, एक गलत के लिए भी नहीं बोल सकते आप तो, हाँ क्या कर रहे हैं फिर उसका उस जीने का क्या फ़ायदा है, तुम लोग फिर खाने के लिए जीते हो क्या बस,
भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना ही मेरे ये बस की बात है कि मैं खाने के लिए जीती हूँ। अगर मेरे सामने गलत होता है, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वर्चुअल लाइफ में हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ज़रूर 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 बोलती हूँ अगर मेरे को मेरे सामने आता है तो। ये अगर सामने ही ना आया, वो भी कुछ गलत चल रहा और मुझे नहीं पता, तो वो एक अलग बात होती है। सांप की बामणी थी छोटी सी इतनी का, तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। और मुझे कुछ भी मानो, अगर तुम इसे पंचायती कहना बोलते हो ना, तो मैं पंचायती बहुत करती हूँ भाई। मैं तो एक दिन है ना एक आंटी ना ऑटो वाले को पूरे पैसे नहीं दे रही थी। अभी ऑटो का जैसे लॉकडाउन की जैसे किराया बढ़ गया ना, मैं तो उस आंटी के भी सिर हो गई थी। मतलब वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है, एक 5 रुपये तुम उसका काट के क्या कर लोगे। तो मेरे को तो पंचायती करने में बड़ा मज़ा आता है। अगर तुम किसी के हक के लिए नहीं बोल सकते ना, गलत के लिए नहीं बोल सकते, मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते, सही कर रहा है तो उसको ये नहीं बोल सकते हाँ एकदम सही है, तो तुम्हारी लाइफ बेकार है। जीना छोड़ दो, एक खाने के लिए जीते हो बस, तो छोड़ दो भाई ये सब। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर अपनी गली में, और बच्चे घर पर हैं, बच्चे देख रहे हैं टीवी। अभी वरुण का ना मंडे से एग्ज़ाम है, तो वरुण की पढ़ाई भी करानी है मेरे को। और धूप देखो यार, अभी तो थोड़ी सी छाया में आ गई, फिर से आ गई धूप। सो गाइस अभी घर चलते हैं, फिर देख दिखाती हूँ मैं आपको घर जाके क्या हो रहा है।